दोस्तों आज हम कवर करेंगे न्यूटन के नियम के महत्वपूर्ण 12 ज्यादा क्वेश्चन जो एग्जाम में लगातार रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों न्यूटन का पहला नियम क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, और दोस्तों रॉकेट न्यूटन के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तरह तरह के क्वेश्चन, जड़त्व का नियम क्या है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, इसी तरह का भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप जरूर करके आओगे। तो दोस्तों प्रश्न है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति या दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो, यह परिभाषित करता है दोस्तों किस चीज को। ऑप्शन है दोस्तों न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम, बी ऑप्शन न्यूटन की गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम, और दोस्तों डी ऑप्शन है गैलीलियो का गति विषयक नियम। तो अपना राइट ऑप्शन चूज करें दोस्तों, 3 सेकंड आपको मिलेंगे हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। ऑप्शन ए न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम। देखिए दोस्तों प्रथम नियम बोलता है कि कोई भी वस्तु अगर स्थिर है या गतिशील है तो दोस्तों उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा उसकी स्थिति और दिशा में जब तक उसमें कोई बल ना लगे, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूटन के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो एक ही जगह मैंने इस वीडियो में डाल दिया, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने का बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको, और एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आप छोड़ोगे नहीं। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल, तो दोस्तों ऑप्शन है हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, ऑप्शन भी भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, सी ऑप्शन हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे होने चाहिए, या डी ऑप्शन है का परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उनकी दशा समान होनी चाहिए। अपना राइट ऑप्शन चूज करें दोस्तों, 3 सेकंड है। ऑप्शन सी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। देखिए दोस्तों तीसरा जो नियम है न्यूटन का उसके अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया के जो संबंध बल है उसमें है दोस्तों हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन की गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम, और दोस्तों डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपना राइट ऑप्शन दोस्तों चूज करें, 3 सेकंड आपको मिलते हैं। ऑप्शन सी न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। देखिए दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि तृतीय नियम क्या होता है, क्रिया और प्रतिक्रिया से संबंधित होता है। तो दोस्तों क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, एक्शन एंड रिएक्शन, तो दोस्तों वो आता है न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम में, ठीक है, ये बताता है आपको क्रिया के बराबर एक प्रतिक्रिया होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, ऑप्शन है प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, उपरोक्त सभी। तो अपना राइट ऑप्शन चूज करें दोस्तों, 3 सेकंड आपको मिलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन सी तृतीय नियम। देखिए दोस्तों तृतीय नियम हमने पढ़ा क्रिया और प्रतिक्रिया से संबंधित है, एक्शन और रिएक्शन से। तो जल में तैरना दोस्तों न्यूटन का तृतीय नियम पर डिपेंड करता है, तृतीय नियम ही बोलता है कि जल में तैरने से आप जो एक्शन करते हो यानी कि क्रिया करते हो दोस्तों पानी को पीछे हटाने की, तो पानी भी एक फोर्स लगाता है आपको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो आपने क्रिया की और प्रतिक्रिया हुई पानी की तरफ से, तो इस तरह से दोस्तों जल में तैरना संभव है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। दोस्तों आप क्वेश्चन को थोड़ा सा अब ऐसे घुमा के देगा, कोई पिंड जब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, यह कथन किसका है, आपको साइंटिस्ट पूछ लिया दोस्तों। ऑप्शन है न्यूटन, आइंस्टाइन, आर्किमिडीज, गैलीलियो। तो अपना राइट ऑप्शन चूज करें दोस्तों, 3 सेकंड आपको मिलेंगे। ऑप्शन ए न्यूटन। देखिए दोस्तों न्यूटन है जिन्होंने ये प्रतिपादित किया कि बाह्य बल जब तक किसी वस्तु पर नहीं लगाओगे तो दोस्तों वो वैसी अवस्था में बनी रहेगी, या तो गतिशील है तो गतिशील चलती रहेगी दोस्तों, स्थिर है तो स्थिर रहेगी, तो ये न्यूटन ने बताया हमें। तो दोस्तों आपको ये आसान लग रहे होंगे अभी, लेकिन जब ये मिसलेनियसली क्वेश्चन पेपर में आते हैं ना तब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो जाता है दिमाग में, तो न्यूटन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के, दोस्तों ऑप्शन है गति के पहले नियम से, गति के दूसरे नियम से, गति के तीसरे नियम से, गुरुत्वाकर्षण नियम से। तो अपना राइट ऑप्शन चूज करें दोस्तों, 3 सेकंड आपको मिलते हैं। ऑप्शन ए गति के पहले नियम से। देखिए दोस्तों बल की परिभाषा आती है न्यूटन के पहले नियम से, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, ऑप्शन है गतिहीनता, जड़त्व, कुल बार, अक्रियता। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन चूज करें, 3 सेकंड आपको मिलते हैं।
ऑप्शन बी जड़त्व। देखिए दोस्तों, वो जड़त्व के कारण वो गुणधर्म है किसी भी वस्तु का, जिसमें वह अगर सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में दोस्तों किसी भी परिवर्तन का विरोध करती, वो चलती रहेगी दोस्तों जब तक उस पर बाह्य फोर्स नहीं लगाओगे या बल नहीं लगाओगे, वो चलती रहेगी दोस्तों एक समान गति से, ठीक है। तो ये जड़त्व ही है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, ऑप्शन है आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम, संवेग का नियम। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन चूज करें, 3 सेकंड आपको मिलते हैं। ऑप्शन बी जड़त्व का नियम, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया और मैंने वर्बली आपको बताया भी, जड़त्व का नियम है दोस्तों न्यूटन का पहला नियम, इसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो ठीक करके आएंगे। नेक्स्ट, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, ऑप्शन है दोस्तों गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, ऑप्शन बी है घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, सी घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, या डी ऑप्शन पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन चूज करें, 3 सेकंड आपको मिलते हैं। ऑप्शन डी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। अब देखिए दोस्तों, न्यूटन का तीसरा नियम याद करिए, हमने पढ़ा है क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन और रिएक्शन। देखिए दोस्तों, जल में तैरना भी हमने देखा कि तृतीय नियम पर आधारित है। दोस्तों यहाँ पर भी देखेंगे, जैसे ही घोड़ा पृथ्वी पर फोर्स लगाता है, ठीक है, अपने पैरों से, तो दोस्तों पृथ्वी भी घोड़े के पैरों पर बल आरोपित करती है, जिस कारण से घोड़ा जो है अपनी गाड़ी को आगे खींचता है। ध्यान रखेंगे, मैंने पूरा लॉजिक समझा दिया दोस्तों आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किससे किसके द्वारा समझा जा सकता है। तो अपना राइट ऑप्शन चूज करें दोस्तों, सापेक्ष सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। ऑप्शन बी न्यूटन का पहला नियम। देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा था न्यूटन का पहला नियम क्या है, जड़त्व का नियम है। तो दोस्तों अगर मान लो बस चल रही है और उसने अचानक से ब्रेक लगा दिया, तो उसमें बैठे यात्री दोस्तों आगे की दिशा में गिरते हैं, क्योंकि वो जड़त्व में पहले से थे, जब बस चल रही थी तब वो जड़त्व में थे, जैसे ही ब्रेक लगाया दोस्तों वो गति में आ गए। तो दोस्तों ये जड़त्व का नियम ही है जो आपसे आपको ये बताता है कि बस में बैठा यात्री दोस्तों आगे की तरफ गिरता है, और ये न्यूटन का पहला नियम भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन है न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत। लगाइए अपना आंसर, 3 सेकंड मिलते हैं। ऑप्शन ए न्यूटन का तृतीय नियम। अब देखिए दोस्तों, न्यूटन का तृतीय नियम था क्या, पहले ये देखो, क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन और रिएक्शन। अब देखिए दोस्तों, रॉकेट में आपको पता है प्रणोदक यूज किया जाता है, जो कि बहुत सारी मात्रा में गैस उत्पन्न करता है, और जैसे ही वो गैस फोर्स लगाती है पृथ्वी के ऊपर, तो दोस्तों पृथ्वी भी उसके ऊपर एक बल आरोपित करती है, और जिससे रॉकेट जो है ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया, और ये कौन सा नियम था, तृतीय नियम था दोस्तों, बिल्कुल समझ के चलना मेरे साथ। नेक्स्ट, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, अश्व दोस्तों घोड़ा, तो अश्वरोही यानी कि घोड़े पर बैठा हुआ आदमी के गिरने की आशंका का कारण है, ऑप्शन है जड़त्व अघूर्ण, बी ऑप्शन द्रव्यमान का संरक्षण नियम, सी ऑप्शन विश्राम जड़त्व, डी गति का तीसरा नियम। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन चूज करें, 3 सेकंड आपको मिलते हैं। ऑप्शन सी विश्राम जड़त्व। देखिए दोस्तों, हमने इससे पहले देखा जड़त्व का एक और एग्जांपल, कि बस चल रही है और अचानक से ब्रेक लगा दिया तो यात्री गिर जाता आगे, तो दोस्तों वो भी जड़त्व का नियम था, क्योंकि उसमें दोस्तों जो यात्री था वो गतिशील था, ठीक है, बस रुकी, बस जड़त्व में आई तो वो गिर गया। अब इसमें क्या हुआ दोस्तों, घोड़ा जब खड़ा था तो जो उस पर बैठा हुआ आदमी था वो खड़ा बैठा था आराम से, ठीक है, स्थिर था, और जैसे ही घोड़ा चला तो वो पीछे गिर गया, क्योंकि दोस्तों वो जड़त्व में था और घोड़ा आ गया गति में। तो दोस्तों ये विश्राम जड़त्व है, ठीक है, वो विश्राम में था, जड़त्व में था, और उसके बाद जब घोड़ा चला तो वो पीछे गिर गया, क्योंकि गति में आ गया घोड़ा। तो दोस्तों इस प्रकार से इसको हमने देखा, बिल्कुल आसान भाषा में दोस्तों ये समझ आता है, और ये लॉजिकली मैंने बताया, कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किया। इसके अलावा भी कोई एग्जांपल अगर आपकी पेपर में आता है तो वो भी आप करोगे, बस मेरी ये जो बातें बताई हैं इनको ध्यान में रख के। तो दोस्तों इसी तरह का वीडियो हम बनाते हैं एक ही टॉपिक के ऊपर, जिसमें सारे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, जिससे आपको बहुत सारे जो डाउट होते हैं एक टॉपिक के ऊपर वो क्लियर हो जाते हैं। तो दोस्तों इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।